गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर भविष्य, कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस मीन्स निरंतर, लगातार जो कार्य होता रहता है ना उसके लिए कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेम, फोर सब पार्ट्स आएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेम है, नाम पढ़ते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, फ्यूचर है, भविष्यकाल है, आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है, हो गा गेगी, सिंपल में तो गा गेगी है, इसमें भी आएगा, देखिए गा गी गे इसमें भी आएगा, बट कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए रहा रही रहे आ गया। कॉन्टिन्यूस आते ही दिमाग में आना चाहिए रहा रही रहे होगा, सिंपल है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, पैटर्न इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल एंड शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल। उसके बाद हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखना है कि बी ऐड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी किसके लिए आया है, कॉन्टिन्यूस के लिए आया है, ये जो रहा आया है ना, कॉन्टिन्यूस आते ही हिंदी में तो दिमाग में आना चाहिए रहा, ठीक है, और इंग्लिश में दिमाग में आना चाहिए कि मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें आई एन जी लगाना है, रन प्लस आई एन जी रनिंग, वॉक प्लस आई एन जी वॉकिंग, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड करना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब विल, चलो भाई अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं उसकी सहायता कर रहा हूँगा। ओके, कर रहा हूँगा, रहा आ गया कॉन्टिन्यूस है, हूँगा गा गी गे भविष्य है, फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल। ट्रांसलेट कर देंगे, आई, आई के साथ हमेशा शैल आता है, आई शैल बी हमें पता है लगाना है कॉन्टिन्यूस में, आई शैल बी हेल्पिंग हिम और हर, अब उसकी है, उसकी से जेंडर क्लियर नहीं होता किस बॉय के लिए बोला गया गर्ल के लिए, तो यहाँ आप हिम भी यूज़ कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव, नेगेटिव आते ही माइंड में क्या आएगा, नॉट वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ना नहीं कभी नहीं सेंटेंस में ही आएगा। ओके, और सेम सारी आइडेंटिफिकेशन वही रहेगी, होगा गा गी गे, ये सारी आइडेंटिफिकेशन, सब इसका पैटर्न आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एक नॉट ऐड हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नॉट कहाँ आएगा, पहले बताया हुआ आपको कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलरेडी बी आ रहा है, तो नॉट जो है बी से पहले आएगा। ओके, हेल्प सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं, आ गया हमारा फ्यूचर है तो होंगे आ गया, ओके गागेगी आ गया, कॉन्टिन्यूस है रहे आ गया, रहा रही रहे कुछ भी आएगा, और नेगेटिव है तो नॉट आ गया, क्लियर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव, विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे होंगे, विद्यार्थी द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल शैल में विल आएगी क्योंकि शैल तो हम आई और वी के साथ यूज करते हैं, द स्टूडेंट्स विल, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले नॉट आएगा फिर भी आएगा, विल नॉट बी, देन वर्ब खेलना, खेलने की प्ले होता है उसमें आई एन जी ऐड करना है, प्लेइंग, और क्या नहीं खेल रहे हैं होंगे, मैच। ओके, मैच द स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्लेइंग मैच, क्लियर। आज हमने किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव, क्लियर है, इनफ फॉर टुडे, रिवाइज द टॉपिक।